एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। तो इंडक्शन इसको किस तरह से किया जाता है, तो देखिए ये रहा बाहर साइड का कॉइल का वायर, ये रहा अंदर साइड का। तो इसमें आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, तो मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाते हैं पहले। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पे रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ये वायर को हम पहले इस तरह से हटाते हैं, तो देखिए 162 दिखा रहा है रेजिस्टेंस। उसके बाद अंदर वाला साइड में चेक करते हैं, तो देखिए इसमें दिखा रहा है 173। तो देखिए सीरीज लाइट में ये लाइट जलना चाहिए। उसके बाद देखिए ये इस तरह से हम सटाते हैं इसमें, तो देखिए ये जल रहा है। उसके बाद अंदर साइड में जलाते हैं, देखिए ये दोनों में जल रहा है। उसके बाद देखिए आपको एक ज़रूरी बात याद रखना है, इसका बॉडी अर्थ जो है ज़रूर चेक करें, क्या कि पंखा में करंट आ सकता है, इसीलिए ये ज़रूरी ध्यान रखें। तो देखिए इसमें हम सटाएं, किसी में ना आ रहा है, तो समझ लीजिए ये बढ़िया कॉइल है, इसमें बॉडी में ना आ रहा है। तो उसके बाद करना क्या है आपको, तो देखिए ये जो रहा बाहर साइड, ये रहा अंदर साइड। तो क्या करना है आपको, तो दाहिना हाथ के साइड देखिए ये वायर को एक अंदर से लेना है, अंदर साइड से एक वायर लेना है, एक बाहर साइड से लेना है। तो ये दोनों वायर को क्या करना है आपको, थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं ब्लेड से, तो इस तरह साफ कर लिए इसको। उसके बाद करना क्या, इस दोनों वायर को इस तरह मोड़ देना है। तो मोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह वायर को आप मोड़ दीजिएगा, दोनों वायर को मोड़ लिए। आप बहुत आसान तरीका से इसका ये लीड कनेक्शन निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो देखिए ये इतना करने के बाद देखिए ये हो गया, ये बच गया, ये दो वायर बच गया। तो करना क्या है आपको बता देते हैं, पहले हम पहले इसमें रेड वायर ले लेंगे, इसमें फेज वायर हो गया ये, तो एक यहाँ से डायरेक्ट लाइन दे दीजिएगा इसमें। उसके बाद देखिए ये जो रहा कैपेसिटर का बचा, तो इसमें देखिए पहले हम रेड वायर किस तरह से इसको लगाते हैं, तो इस तरह से हम इसमें वायर में मोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह हम वायर में घुमा के मोड़ लिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको कटिंग कर देते हैं। तो देखिए इसको हम कटिंग कर लिए। उसके बाद देखिए दोनों साइड में हम स्टार्टिंग और रनिंग में ब्लैक ब्लैक वायर लगाएंगे, तो देखिए दो ब्लैक वायर ले लिए। उसके बाद इस तरह मोड़ेंगे इसमें, देखिए इसी तरह आप भी मोड़िएगा, तभी आपका बढ़िया रहता है, लीड बढ़िया लगता है देखने में। देखिए अब ये तीसरा रह गया, तो तीसरा वाला में देखिए इस तरह से इसमें मोड़ेंगे। तो इसमें हम लगा दिए हैं, तो देखिए इसमें हम लगा दिए हैं, तो आप इसमें स्लीविंग लगाना है, कितना 2 नंबर का स्लीविंग लगाना है आपको, तो ये 1 नंबर का स्लीविंग है, तो आप 2 नंबर का लगा देंगे इसमें। तो दूसरा 2 नंबर का स्लीविंग हम ले लिए, तो इतना इतना बड़ा इसको काट लेना है, आपके हिसाब से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो ये जो रहा दो कॉइल जो रहा, इसके अंदर में एक पेपर लगाना ज़रूरी है, जो कि इस कॉइल को सेफ्टी देता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, जो इसे सेफ्टी मिलता है पेपर लगाने से, कितना होता है वायर नहीं तो पिघल जाएगा। इस तरह से हम पेपर ले लिए काट के, उसके बाद इसमें लगा देते हैं। इससे क्या रहता है, हमारा जो स्लीविंग रहता है ये पाइप वो जलता नहीं है, और कॉइल को थोड़ा बचाता है ये, नहीं तो आपका लीड वायर जल्दी जल जाता है इससे अगर नहीं लगाइएगा तो। तो उसके बाद देखिए एक तागा लेंगे इस तरह से, ये पैरासूट भी कहते हैं इसको, तो वही तागा लेते हैं। उसके बाद इसको काटते हैं, तो देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है। उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं बांध के।
पूरा देखिए ये बांध के हम इसको कंप्लीट कर लिए, थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह कर दिए तो सब, तो इसको हम फिटिंग करके दिखाते हैं चला के। पंखा का पूरा कनेक्शन फिटिंग कर दिए पंखा को, अब जो रहा इसका कंडेंसर का कनेक्शन, तो कनेक्शन पहले करने से पहले बैटरी को चेक कर लेते हैं कंडेंसर को। तो देखिए कंडेंसर चेक करने से पहले इस तरह चेक करें, तो ये कंडेंसर थोड़ा डाउन है तो दूसरा कंडेंसर लेते हैं। तो ये रहा कंडेंसर, तो कंडेंसर इस तरह सीरीज में जलना चाहिए तभी पता चलेगा आपका ये कंडेंसर बढ़िया है। तो इसका कनेक्शन देखिए किस तरह करते हैं, ये वायर इस तरह से ले लिए एक वायर, दूसरा वायर इस तरह से इसमें लगा देते हैं। देखिए ये रहा कनेक्शन, उसके बाद पंखा को इस तरह से उठा लेते हैं, उसके बाद पंखा को चला के दिखा देते हैं आपको। चलिए ये पंखा रोटेट कर रहा है, अपने कर रहा है, तो अब इसमें स्विच प्लग से लाइन देते हैं इसमें, तो उसके बाद पता चलेगा पंखा कौन साइड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो देखिए स्विच प्लग ले लिए हम, उसके बाद देखिए इस तरह धरते हैं बॉडी पर, तो देखते हैं कि, तो देखिए हम स्विच में ही लगाए हैं तो ये घूमने लगा, देखिए ये घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, देखिए ये उल्टा साइड घूम रहा है, तो उल्टा साइड घूम रहा है तो वायर आपको कौन चेंज करना है। देखिए ये वाला वायर जो है, इस वायर को खोल के इस वाले वायर में लगा देना है। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में रिपेयरिंग के साथ। अगर आपका भी अगर फैन अगर उल्टा घूमने लगा तो ये वाला ये जो वायर है ये वायर को खोल के इसमें लगा दीजिएगा, आपका फैन सीधा घूमने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह का